ये देखो, नीचे से ऊपर आने में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और पानी की बोतल हम लोग ले आना भूल गए थे। ऊपर देखिए, अरे बाप रे, इधर डाल के देखिए, बहुत भयंकर है। आराम से, ओ बाप रे बाप, ओयो दादा, दादा रे दादा, वाव यार कितना खूबसूरत है। देखो जी, वाह मैन, कितना खूबसूरत। वो देखो वहाँ पे वाटरफॉल, चलो वहाँ चलते हैं इधर से उतर के। तो भाई अभी हमको किधर जाने का हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, इस आदमी को पता है, इस इंसान को, लेकिन ये बता नहीं रहे। हम लोग जा रहे हैं फेवा पावर हाउस। फेवा पावर हाउस वाटरफॉल है। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल घूमने के लिए। हम एक्साइटेड इसलिए कि फर्स्ट टाइम सौरभ और शुभम वाटरफॉल देखेंगे तो इनका रिएक्शन क्या आता है। मिनी वाटरफॉल यही देख के हम लोग आए थे। एक एक फायदा है इस चीज का, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी धो सकते हैं। उत्तरी की ये गाड़ी देखो, काहे कि इसमें सामान बिकता है, धो रहे हैं इसको, हम भी आके धो लेंगे। अरे बाप रे, सब भागे जाती। अरे दादा, उत्तरी की भाई, सो ये क्या है, ये देखो इधर। अरे दादा रे दादा, ओ माय गॉड, नीचे जाने का रास्ता है तो यहाँ बिजली बनता आई थिंक कहाँ पे, ये इसमें टरबाइन लगे, टरबाइन पे गिरता होगा, कहाँ है ये पानी इससे जाता है और टरबाइन नीचे है। अच्छा वहाँ पे बिजली पैदा होता है, तो इधर से हम नीचे नहीं जा पाएंगे नदी के पास, इधर ही जाएंगे। चलो चलो चलो, ये देखो भाई हिमालय पर्वत मस्त दिख रहा है, जितनी दूर से देखो उतना अच्छा दिखता है, गजब। चलें, हाँ यार, वाह देखो भाई नदी के पास कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारा मन कर रहा है यहीं पे चलते हैं, बनाते खाते हैं, क्यों, गजब लग रहा है यार, यहीं पे कैंपिंग करते हैं, क्यों सौरभ, वहाँ पे चले, वहीं पे कैंपिंग करते हैं, पट्टू दोनों है। हाँ यार, लेकिन माचिस तो खरीदा ही नहीं हमने, माचिस वहाँ सामने मिल जाएगा वहाँ। हम अभी चल रहे हैं एकदम नीचे जहाँ पे नदी है, वो देखो इतने नीचे, और वहाँ पे हम ऐसे चल चल के जाएंगे, और ये जो दोनों तरफ पाइप हैं ये इसमें पानी जा रहा है, नीचे वहाँ टरबाइन लगा है और यहाँ पे बिजली बनती है, तो वो चीज़ जो हमारे NTPC में बिजली बनती है वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा बिजली बनती है, तो वो चीज़ यहाँ पे छोटे उस पर है, मतलब छोटे लेवल पे है, यहाँ कम होता है। ओ तेरी की गजब, मानसून रहता ना तो इतनी बड़ी नदी है, हाँ बराबर पानी जाता ओ है, ओ तेरी की पानी। ये देखो वहाँ पे लोग कपड़े उपड़े धो रहे हैं, मस्त भाई, वाओ, अरे बाप रे, इधर डाल के देखो, बहुत भयंकर है, आराम से, ए बाप रे बाप, ओयो दादा, दादा रे दादा, ये तो हमने सपने में देखा था कि इतनी ऊंची सीढ़ियां हम चढ़ के आते हैं। डियर हमको लग रहा है यही उतरना चढ़ना बेस्ट रहेगा, क्योंकि इधर वाले चढ़ेंगे ना चक्कर आ जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे, एका देखो भी हम डर लगा तो। फेवा पावर हाउस हमको दिख रहा है ये वाला, वही हम भी बोल रहे हैं क्योंकि झटका से OMG, हाय रे, हार्ट बीट, वहाँ से पानी आ रहा है, वो देखो लोग नहा रहे हैं, वाह कितना ब्लू ब्लू पानी दिख रहा है, यहाँ देखो लोग नहा रहे हैं, ये देखो, ए अरे उधर मत देखो, इधर आओ, वहाँ मत जाओ, हवा कितनी तेज लग रही है, वहाँ से देखो नदी उधर से आ रही, वहाँ से ऐसे 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 जा रही, सबकी फट रही है ये देख के। वाह उधर उधर नदी, उधर पानी आता पूरा, सुबह मुआ डर गया, भाग गया। देखो बचपन कितनी जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा तावा थी, और हमारे सबके आवे में हालत खराब होत रही। चलो, चलो, देखो तुमको नहीं जाना नीचे, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, सुनिए सुनिए सुनिए, ए बच्चा लोग नीचे जाएगा इधर से ही, कैसे जाएगा है मतलब चल के, और ये बाप रे, हम लोग की बच्चे लोग जा रहे हैं, और ये बाप रे, ए देखो, अरे
अरे भैया थोड़ा रुक के संभल के। ए शुभम को नहीं जाने, शुभम को बोल दो गाड़ी में जाके बैठे। भाई हम नीचे उतरने जा रहे हैं लेकिन सीढ़ियों पे हम कैमरा नहीं लिए रहे। लो कैमरा पकड़ो, एक काम करो कैमरा बंद कर देंगे। चलो आओ देखो, अभी हम लोग आधा सीढ़ी उतर चुके हैं। ये देखो आधा सीढ़ी, शुभम उधर रहा, राम राम उधर रहा है, और हमारी कंचन कंचन दोनों हाथ में पकड़ो, दोनों साइड फटा आ जगह जगह पाइपिया। आराम आराम चलो, गलती माफ करना लेकिन डर लग रहा है हमको। ये देखो बनाना चाहिए था। हाँ यार पीछे कोई आ रहा, बहुत स्पीड में आ रहे हैं भैया। भैया बचा के भैया, आराम से आ जा शुभम। ए हटे रास्ता दे तो भैया को। ए भगवान बहुत डर लग रहा हमको। तो देखो जी फाइनली हमने इतना बड़ा पहाड़ इसको क्रॉस करके नीचे आके खड़े। भाई ऊपर से उतर रहे थे ना, इतना डर लग रहा था कि पीछे देखने का मन नहीं कर रहा था, सिर्फ सीढ़ियाँ देख के आ रहे थे। और अभी हम नीचे आ गए हैं, ये देखो पाइप से पानी आ रहा, और यही यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, आगे निकलता है। अभी हम दिखाएंगे यहाँ पे बिजली बनती है। भाई सीरियसली बताएं तो डर इतना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये हमने डियर एक बार हम डर गए थे सपने में, जब हम आपको बता रहे थे, तो ऐसी कुछ जगह हमने अपने सपने में देखी थी। पता है क्या देखा था, कि एक नदी है और उसको क्रॉस करने के लिए ब्रिज ऐसे है, एकदम खड़ी चढ़ाई और फिर ऐसे, और सीढ़ियां हैं उसको चढ़ना उतरना, हमारे देख के ही हालत खराब हो जा रही। और सीरियसली आज जब ये सीढ़ी देखे है ना ये वाली, तो उसको देख के हमारा सपना याद आ गया कि हम वही सपना देखे थे, वही आ गए हैं। फिलहाल जो नदी हमने ऊपर से देखा था उसी नदी के पास जा रहे हैं। थोड़ी देर देख के लग रहा था कि यहाँ पे कैंपिंग करना चाहिए, बट नीचे आके ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी से घूमो और निकलो यहाँ से। ओ माय गॉड वो ब्रिज पे देखो लोग चल रहे हैं, ये देखो उस पे जाने में तो हालत खराब हो जाएगी यार। देखो ये चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, और हम यहाँ से उतर के आए। आप इमेजिन, आप सोच सकते हैं यहाँ से कोई होता अगर शॉट लेता, ड्रोन शॉट, क्या भयंकर दिखता कि भैया कहाँ से उतर रहे हैं, है ना सौरभ। और ये देखो आपके सामने प्रेजेंट है, कौन सी नदी हम नहीं जानते, बट वाव 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 मैन, कितना खूबसूरत। वो देखो वहाँ पे वाटरफॉल, चलो वहाँ चलते हैं इधर से उतर के। हावड़ा ब्रिज, चलो चलो जल्दी, हमको बहुत एक्साइटमेंट है अंदर से। उतनी ऊपर से आ गए नीचे, चलो। देखो जी हम एकदम नीचे नदी के पास में आ गए, लेकिन नदी के पास नहीं जा रहे, पहले हम जा रहे हैं इस वाटरफॉल के पास में। काश यहाँ हम नहाते तो और भी मजा आता। और लड़कवन का देखो वहाँ पहुँच गए। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे ना कि दीदी आप नेपाल के गांव दिखाओ, नेपाल के झरने दिखाओ, नदी दिखाओ। तो लो जी आपके सामने प्रेजेंट है नेपाल के झरने। वाह 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 वाह, ये देखो सामने, वाओ गजब। नहाना है, ये इधर से इजी था यार, हम लोग इधर ही से जाएंगे। देखो हम लोग का दिमाग इधर से इजी था, इधर से नहीं उधर से आए हैं। वाव यार कितना खूबसूरत है। देखो जी हमारे पीछे है नेपाल का वाटरफॉल। वाव, हम कहीं भी चले जाएं दुनिया में लेकिन जो नेचर है वो एक जैसा ही रहेगा। इंसान बदल सकते हैं, उनकी मेंटेलिटी बदल सकती है, उनकी शक्ल बदल सकती है। सकल सूरत मीन्स होता है कि गोले गोरे और काले हो सकते हैं, बट जो नेचर होता है ना, नेचर वही रहता है सेम। हाँ कितना खड़ी चढ़ाई है, आधा लोग वही देख रहे हैं कि नीचे जाए कि ना जाए, हाइट पे है ये देखो। हम लोग भी यहाँ खड़े होके सोच रहे थे जाएं कि ना जाएं, फट रही थी।
अब पैरवा हम अभी तक का कहां पर अभी भी कहां पर आए हैं। ट्रेन ट्रैकिंग का मजा तो ये भाई साहब ले रहे हैं, नदी में जूता उता उतार के बढ़िया। ये वाह क्या मस्त, ऐसे ट्रैकिंग करना चाहिए। जाइए जी पत्थर पे, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे। पानी कितना मस्त लग रहा है ना कंचन, फुली ट्रांसपेरेंट है क्योंकि पत्थर है ना, तो पत्थर की वजह से चमक रहा है। सूज उतार, नीचे ठंडी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है। चलो सूज उतार के भी बैठना पड़ेगा, लेकिन पानी बहुत ठंडा होगा मेरे हिसाब से। तो मैं आपको एक बार वापस से टूर कराता हूँ। हम लोग आए हैं वहाँ से, तो वहाँ से होते हुए आए हैं, सामने एक वाटरफॉल है वहाँ पे गए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए। और ये नदी कुछ ज़्यादा ही चौड़ी है, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चारों तरफ से, अब बीच से नदी निकली है जो कि पानी होते हुए इधर की तरफ रफ्तार से होते हुए जा रही है। कंचन जी बुला रही हैं, देखते हैं किस लिए बुला रही हैं। क्या हुआ बैग? हाँ रख दो, कोई उठाएगा नहीं। कौन सा जानवर आ रहे हैं यहाँ पे? ये नदी उधर कहीं से आती है क्या? हाँ नदी उधर से आ रही है ना, पीछे से। तो कंचन का हमको फोटो खींचना है, तो लोकेशन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे फोटो बढ़िया आएगा। कंचन अगर वहाँ खड़े होगा तो हमको किधर जाना पड़ेगा? जहाँ सौरभ खड़ा है ना, वहाँ जो बैठा है वहाँ जाना, तब फोटो बढ़िया आएगा। क्योंकि क्योंकि मैं अगर इधर कहाँ से खड़ा हो पाऊँगा फोटो खींचने के लिए? खैर कोई नहीं, तुम बस बैठने वाला एंगल मिल जाए बस। आप यहाँ से सुबह देखो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे सौरभ का। कहाँ बैठो थे? वहीं। चलो बचा के बचा के। ठंडा पानी है, ठंडा है। तो देखो भाई वहाँ पे एक लोग नहा रहे हैं और इधर भी कुछ लोग नहा रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, और यहाँ पे कहीं पे उधर साइड में लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं। और शुभम को देखो कोट पैंट पहन के जेंटलमैन बन के आया है, अकेले में ही मस्त है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ए सब लोग ऐसे देखो, सब लोग एक फ्रेम में आ जाओगे। पता नहीं आराम से, पानी की ठंडा बहुत ज्यादा है ना। चलो हम निकलते हैं, शुभम चलो निकलो अब। चलो सर मछलियाँ हमने पकड़ी और भूज के खा गया। उस पहाड़ से सीढ़ी से चल के नदी में आके सेल्फी, ठंडा पानी पी के पता नहीं क्या हो गया। अजीत सिंह ना बनो। ओके जी, तो खूब सारी फोटोग्राफी हो गई, नदी में थोड़ी देर जूता उता उतार के बैठे थे, मजा आया एकदम, ठंडा ठंडा पानी घूम घूम लिए, मतलब जो सोचे थे वैसा। बट एक चीज़ नहीं हो पाया कि कैंपिंग करने का सोचे थे, लेकिन यार ऐसी जगह पे आओ तो कैंपिंग करो अच्छा लगता है बट डर भी लगता है, इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, निकल रहे हैं वापस। ए इस बार इधर वाटरफॉल की साइड से चलो। ये देखो नीचे से ऊपर आने में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और पानी की बॉटल हम लोग ले आना भूल गए थे। ऊपर गए वहाँ से पानी की बॉटल लेके आए, और थोड़ा आराम से देखिए बस थोड़ा सा, चलिए गाड़ी में बैठ के आराम से, चलिए चलिए कुछ खाते हैं। ओके जी, तो अभी हम लोग नीचे नदी से पूरा ट्रैकिंग करके ऊपर आ गए, और सबकी हालत एकदम ख़राब हो गई है, और सबसे ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई। आधे रास्ते आके एकदम से इनकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो गई, और पानी हम लोग लेके नहीं गए थे, फिर आए पानी लेके गए एक बॉटल, इनको पानी पिलाए सर पे डाले, तब जाके थोड़ा सा आराम है। अभी देखो आराम से लेटे हैं, सौरभ इधर और शुभम इधर है। शुभम एक काम करो, वो सामने जाओ वहाँ पूछो वेज मोमोज है क्या, चिकन मोमोज दिख रहा है, अगर वेज है चिकन है सब, चिकन चाउमीन फ्रेंच फ्राइज खाओगे मंगाए खाओगे ए मंगाए मंगाए कुछ की रहने दे।
थोड़ी देर तक रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे कहीं और के लिए, और कहाँ जाएंगे वो आपको देखने को मिलेगा हमारी अगली वाली वीडियो में। तो ये वाली वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको हमारा ये वाला ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने इंजॉय किया, लेकिन बाद में हालांकि हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो गई और इनको तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी इंजॉय किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं उसके लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।